हम होममेकर्स को अपने फैमिली के साथ साथ खुद को भी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि हम ही तो है अपने फैमिली के बैकबोन, है ना? हम होममेकर्स का डेली का जो भी काम होती है, जैसे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुकिंग, ये सब कुछ डेली करते रहना इजी जॉब नहीं है। हम अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक क्लीन ऑर्गेनाइज्ड होम से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट होती है। मैं ये डे टू डे लाइफ का काम करके कैसे खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ, उसका कुछ टिप्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मॉर्निंग जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठने से टाइम ज़्यादा मिलता है, और टाइम जब ज़्यादा मिलता है तब घर का सब कुछ काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। डे का स्टार्ट एक्सरसाइज नहीं तो मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करती हूँ। इससे मुझे पूरा दिन फ्रेशनेस मिलता है और मन में भी अच्छा फीलिंग देता है कि मैंने खुद को हेल्दी रखने के लिए खुद को टाइम दिया। घर का काम छोटे छोटे काम से ही स्टार्ट करती हूँ, जैसे आज बेड ऑर्गेनाइजिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और इन बोरिंग सेम काम को करके खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एवरीडे डिफरेंट काम से इनको स्टार्ट करती हूँ, जैसे कभी डाइनिंग एरिया से, कभी लिविंग रूम एरिया से, और नहीं तो कभी किचन से। प्लांट्स जब हम घर लाते हैं तब हम इनके पेरेंट्स बन जाते हैं। जैसे एक किड के ग्रो होने के लिए केयर चाहिए होता है, ऐसे ही इन प्लांट्स को डेली थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, और इनडायरेक्टली शायद ये प्लांट्स भी मुझे मोटिवेटेड रखने में हेल्प करते हैं। फ्रेश होने के बाद अभी मुझे जल्दी जल्दी जाना है किचन में, क्योंकि आज मॉर्निंग 5 to 7 बैडमिंटन क्लास करने के बाद उसको बहुत भूख लगती है। सो हम लोग ब्रेकफास्ट 7:30 to 8 के बीच में ही फिनिश कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा मैं हेल्दी एंड क्विक मेनू ही रखती हूँ, जिससे कम टाइम में ही ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए और सबको टाइम पे खाने को भी मिले। आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। इसमें मैंने ऐड किया है ऑनियन, सॉल्ट और ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स से बहुत अच्छी एरोमा आती है और तब इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आइकिया से लाया हुआ बारबेक्यू सॉस ब्रेड में ऐड कर रही हूँ। बस अभी 1-2 स्पून्स फिलिंग ऐड करके इसके ऊपर ब्रेड पीस ऐड कर रही हूँ। ये होल व्हीट ब्रेड मैंने ऑनलाइन लिया है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ब्रेड का ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। कैस्ट आयरन कुकवेयर्स में ये ग्रिल पैन हो या बाकी का डेली कुकिंग में यूज़ होने वाले कुकवेयर्स हो,
इन सभी कैस्ट आयरन कुकवेयर्स में कुकिंग करना अभी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। इन कुकवेयर्स में कुकिंग फास्ट होने के साथ साथ फूड हेल्दी एंड टेस्टी भी बनता है। पहले अड्रिट को एवोकाडो सैंडविच इतना पसंद नहीं था, अभी शायद टेस्ट डेवलप हो गया है। बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, सो अनुपल ब्रेकफास्ट करके ही जल्दी ऑफिस गए हैं। घर का डेली का काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन का काम सोच के रखने से भी कभी कभी नहीं होता है। ये ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कितने टाइम से करने का सोच रही हूँ, सोचा आज फाइनली कर ही लेती हूँ। ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कुछ स्वीट बॉक्स, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और है शू बॉक्स, इनको मैं यूज करूंगी ऑर्गेनाइजर की तरह से। कार्डबोर्ड बॉक्सेस काफी स्ट्रांग होती है और सबसे अच्छी बात ये ऑर्गेनाइजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। काट किया हुआ पीसेस को बीच में ऐड कर रही हूँ जिससे मुझे अलग अलग आइटम्स रखना इजी पड़ेगा। सेम वे में ही ये बॉक्स भी रेडी कर लिया है। हॉट ग्लू गन यूज करके बीच का कार्डबोर्ड पीसेस लगा लिया है। अभी मैं फेस क्रीम, नेल पॉलिश, मेकअप ब्रश सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। बाहर जाने के टाइम चीज़ें ढूंढकर जो टाइम वेस्ट और स्ट्रेस होती है ना, उनसे बचने के लिए इनको ऑर्गेनाइज करके रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये डस्ट, इनसे बचने के लिए डेली 2-3 मिनट्स इनको देना जरूरी है। डेली 2-3 मिनट्स का डस्टिंग करने से अपने घर को डस्ट फ्री रख सकते हैं। डस्ट के कारण ज्यादा सामान ऊपर नहीं रखना ही बेस्ट है। डेली जो भी क्रीम वगैरह यूज करती हूँ वही ऊपर रख रही हूँ। इनको सिक्योरली रखने के लिए नीचे एक कार्डबोर्ड बॉक्स यूज कर रही हूँ। ये ईयरिंग्स, इनको क्विक एंड इजीली ऑर्गेनाइज रखने का एक टिप आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिया है एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर में डाल रही हूँ एक फोम सीट। ये बहुत सॉफ्ट है जिसके कारण ये ईयरिंग्स इसमें इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। है ना ये यूजफुल आइडिया।
और आप लोगों ने देखा ही है, मैं हमेशा डेकोर के लिए प्लांट्स यूज़ करती हूँ। प्लांट्स हमेशा एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ओकेजनली यूज़ होने वाले आइटम्स को अलग अलग बॉक्सेस में डालकर मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एड्रिड का समर वेकेशन चल रहा है। किड्स का समर वेकेशन मीन्स मॉम फुल टाइम बिजी। घर के काम के साथ साथ किड्स को केयर करना एंड उनको टाइम देना भी तो जरूरी है ना? अभी एड्रिड को थोड़ा मिल्क दे दिया है क्योंकि उसको इस टाइम पे भूख लगती है। उसको थोड़ा टीवी देखने को देकर मैं रेडी करने जा रही हूँ लंच। किचन के काम में ये इलेक्ट्रिक केटल से बहुत ही हेल्प मिलता है। आज बना रही हूँ मैं मिलेट नूडल्स। नूडल्स बॉईल करने के टाइम थोड़ा कुकिंग ऑयल और सॉल्ट देने से नूडल्स जल्दी कुक होते हैं और साथ में ये एक दूसरे के साथ स्टिक भी नहीं होते हैं। नूडल्स बॉईल होने तक वेजेस कट कर लेती हूँ। ये स्मॉल डस्टबिन मैं हमेशा किचन सिंक एरिया में ही रखती हूँ, जिससे मुझे किचन वेस्ट क्विकली फेंकने के लिए इजी पड़ता है। मैं ट्राई करती हूँ मैदे का फूड आइटम्स अवॉइड करके मिलेट, होल व्हीट इन सबको डाइट में ऐड करूँ। ये पनीर के पीसेस में गार्लिक पाउडर, सोया सॉस ऐड करके मैरिनेट कर रही हूँ। सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी है, सो मैंने अलग से सॉल्ट ऐड नहीं किया है। ऑयल गरम होने के बाद ऐड किया है गार्लिक और ऑनियन। अभी वेजीज ऐड करके हाई फ्लेम में वेजीज को सौते कर लेना है। बस अभी ये बॉईल किया हुआ नूडल्स ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस नूडल्स के ऊपर ऐड करने से वेजीज का कलर सेम ही रहेगा। नूडल्स के साथ आया हुआ मसाला में सॉल्ट है, सो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया है। कैस्ट आयरन कुकर के और एक अच्छी बात है कि ये एक बार गर्म होने के बाद बहुत टाइम तक कुकवेयर्स गर्म ही रहते हैं, जिसके वजह से कुकिंग के बाद फूड भी बहुत टाइम तक गर्म रहता है। किचन टूल्स हमेशा हमारे किचन के काम फास्ट होने में हेल्प करती है। एड्रिड के साथ बैठकर उसके बहुत सारे स्टोरीज सुनकर फूड एंजॉय करके खाने से भी मुझे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आफ्टरनून के टाइम पे माँ हमेशा एक स्टोरी बुक मेरे हाथ में दे देती थी और स्टोरी बुक्स पढ़ के ही कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। अभी माँ का वो टिप मुझे बहुत काम आ रहा है। हम लोग घर के बड़ों से ही तो बहुत सारे टिप्स सीख लेते हैं और ये टिप्स ही तो हमें एक घर को अच्छे से चलाने के लिए हमेशा हेल्प करती है। जब से मैंने YouTube ज्वाइन किया है एज ए फ्रीलांसर यूट्यूबर, खुद को वीडियो शूट और एडिटिंग के साथ
बिजी रखकर टाइमली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है। अब तक लाइफ से सीखा हुआ कुछ एक्सपीरियंस, टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करके कितना मुझे हैप्पीनेस मिलती है वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। एक कप चाय के साथ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। आप लोगों के कमेंट्स से ही तो मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलती है, और ये मोटिवेशन के साथ मैं हमेशा गुड कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलती रहूँगी। सो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।